तो गाइस कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपको ले जाने वाले हैं UPES यूनिवर्सिटी। तो अंदर तो जा नहीं सकते हैं बिकॉज कोविड का टाइम चल रहा है, तो अभी अंदर ऐसे अलाउ नहीं है और हम वहाँ के स्टूडेंट भी नहीं हैं। लेकिन आपको बाहर से दिखाएंगे वहाँ का आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, यूनिवर्सिटी कैसी है, और जितना हो सकेगा उतना यूनिवर्सिटी को कवर करेंगे। बाहर से भी दिखाएंगे आपको यूनिवर्सिटी UPES, जो कि देहरादून की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा जानी जाती है। तो आज हम आपको UPES लेके चलेंगे गाइस। और UPES का तो मोस्टली सब लोग आप जानते होंगे, अगर आप सर्च मारते हैं बेस्ट कॉलेज इन देहरादून, बेस्ट यूनिवर्सिटी, तो UPES नंबर वन आता है। रैंक में नंबर वन, हर चीज़ में नंबर वन है। PG UG के कोर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है, प्लेसमेंट बहुत ही बेस्ट है वहाँ का, और पूरे देहरादून का सबसे हाई प्लेसमेंट UPES का ही होता है। वहाँ का फीस स्ट्रक्चर भी बहुत हाई है। पर आज हम आपको दिखाने वाले हैं यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी बाहर से ही दिखाएंगे लेकिन कवर जितना हो सकेगा ज़रूर करेंगे। और UPES के बारे में और बहुत सी जानकारी के लिए एक वीडियो हम फिर आपको लेके आएंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पे, एक्टिविजन ब्लॉगर पे। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए चैनल ने, सब्सक्राइब जरूर करें यार ऐसे ही, मतलब स्टडी गाइड के लिए और आपके ये टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए। तो हम आपको मिलाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो कि देहरादून में है। सो फिलहाल तो अभी हम जो UPES जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं तो नए रूट से हम जा रहे हैं। ये रूट है कांडोली रूट है, ये भी सेम नंदा की चौकी के पास से जाता है। और UPES की जैसे मैं आपको लोकेशन बता दूं, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ISBT साहब नंदा की चौकी के लिए बस पकड़िए, बस वहाँ से आराम से मिलती है आपको ISBT से। तो बस पकड़िए, बस पकड़ने के बाद आप नंदा की चौकी उतर जाइए, वहाँ से सीधा आप UPES की तरफ ही जाके लगेंगे, बिल्कुल UPES पे ही लगेंगे। बट जो आज हम जा रहे हैं वो एकदम बिल्कुल नया डिफरेंट रूट है, कांडोली रूट है ये। और इस रूट से भी आप नंदा की, मतलब इस रूट से भी आप UPES ही निकलेंगे। पर ये रूट है सबसे शांत है, बहुत ही अच्छा है। अभी तो खैर पतझड़ मौसम है, देख सकते हैं मेरे पीछे सारे पत्ते सूखे हुए हैं, लेकिन जब ये ग्रीन्स होते हैं तो बहुत ही बेस्ट रहता है। जब यहाँ बारिश होती है तो बहुत ही औसम रहता है। देहरादून के एनवायरनमेंट का आप जानते हैं, मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं। सो आज आपको UPES लिए जाने वाले हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एनर्जी साइंस। सो चलिए चलते हैं फिर यार वीडियो को आगे बढ़ाते हुए। बहुत जल्द आपको इस रोड के थोड़े बहुत इस रोड को दिखाया भी जाऊंगा, इस रूट के बारे में बताता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा। फिलहाल तो ये जो रूट है वो है आपके सुद्धोवाला और नंदा की चौकी के बीच में से जस्ट ये रूट निकलता है। सुविधा स्टोर के पास से निकलता है ये, जस्ट सामने से वहाँ से निकलता है ये कांडोली रूट है, बहुत ही बेस्ट है। तो चलिए लेके चलते हैं फिर आपको UPES, दिखाएंगे आपको वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का एरिया आसपास का कैसा है। जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं, एडमिशन लेने वाले हैं 2021 बैच, वहाँ का एनवायरनमेंट एरिया आसपास का दिखाएंगे, कितना हरा भरा है और कितने सारे हॉस्टल्स हैं वहाँ पे और कैंटीन्स वगैरह कितनी है, तो सब आपको कवर करेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको फिर UPES। तो चलिए UPES के लिए गाइस। UPES यूनिवर्सिटी ऑलरेडी जानी मानी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है देहरादून की, और ये जो पड़ती है वो आपको पता होना चाहिए, कांडोली रोड पे पड़ती है और ये नंदा की चौकी से इसका रोड जाता है, जो कि ISBT से लगभग आपके 20 किलोमीटर दूर है। तो आज हम न्यू रोड से जा रहे हैं, इस रोड को विजिट करेंगे, हम इस रोड के व्यू देखेंगे, दृश्य देखेंगे। तो पर हम लगेंगे इस रूट से भी UPES ही उसी यूनिवर्सिटी पे, और UPES ऑलरेडी यूनिवर्सिटी बेस्ट है आपके UG कोर्सेज के लिए, लाइक BBA और BCA, BSc IT और आपके ये फार्मेसी कोर्स। हाँ थोड़ी कॉस्टली यूनिवर्सिटी है बिकॉज उसका प्लेसमेंट भी बहुत ही बेस्ट है, बट यहाँ पे आपके बहुत ही बेस्ट है UG और PG कोर्स के लिए ऑलरेडी, जैसे आपके MBA, MCA और भी अदर फार्मेसी के कोर्स है, लॉ वगैरह, तो ये बहुत ही फेमस है इन चीज़ों के लिए। तो बहुत ही बेस्ट यूनिवर्सिटी है, आज वो उसी रूट पे आपको आज यूनिवर्सिटी लेके जाएंगे। ये देखिए प्राकृतिक व्यू यहाँ के, बहुत ही बेस्ट लगता है जो कि मुझे प्राकृतिक व्यू। तो हम उसी रूट पे निकल चुके हैं आज, तो सफ़र जारी रखेंगे, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए वीडियो में एंड तक।
दोस्तों हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे कंडोली। तो ये है कंडोली और ये देखिए एक स्कूल भी पड़ा है यहाँ पे रास्ते में, और ये कंडोली हम पहुँच चुके हैं। कंडोली जो है बिल्कुल आपकी नंदा की छोटी सी जो रूट आता है UPS की तरफ, वहाँ पे निकलेंगे। यहाँ से अभी हम लेफ्ट लेने वाले हैं, आगे से जो रोड आ रहा है उससे हम लेफ्ट लेंगे। जैसे हम यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो इसके बाद हम सीधा मेन रोड पे जाके निकलेंगे, वो रोड जो UPS के लिए आता है। फिलहाल तो हम कांडोली से मंदिर जंगल वाले रोड पे गए थे। तो देखिए इस रोड पे हम जो चल रहे हैं, अभी हम मेन रोड पे निकलने वाले हैं। आगे फिर आपको दिखाएंगे बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पे हॉस्टल्स, होटल जैसे हॉस्टल्स है गाइस, 5 स्टार 3 स्टार जैसे समझ लीजिए आप, बिल्कुल यहाँ पे हॉस्टल्स यहाँ PG वगैरह ये देखिए और भी देखने मिलेंगे। फिलहाल तो अभी हम मेन रोड पे निकलने वाले हैं, ये रहा सामने मेन रोड, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे यूनिवर्सिटी के लिए। उन सब चीज़ों के लिए जानी जाती है और प्लेसमेंट भी बहुत हाई है। वीडियो में एंड तक बनी रहिए गाइस। गाइस अभी हमने देखी UPSC यूनिवर्सिटी कैंपस, तो बहुत ही बड़ा है, हमें सिर्फ फ्रंट ही देखने को मिला है। तो वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं गाइस, और बहुत सारी जो डिटेल्स मेंशन करनी है वो वीडियो के बीच बीच में मैं जहां हम एक्सप्लोरर कर रहे हैं वहां मैं करता रहूंगा मेंशन, आपको बताता रहूंगा किस किस कोर्स के लिए बेस्ट है, किस कोर्स के लिए अच्छा है। PG UG वैसे तो हर कोर्स के लिए UPS बेस्ट माना जाता है। तो एक झलक देखने को मिली हमें UPS की फ्रंट से, जो कि वहाँ का वाइस हमारा, मैंने शुरू में आपको बोला था हम अंदर नहीं जा सकते हैं, सिर्फ आपको जितना होगा उतना दिखाएंगे, तो दिखाया हमने आपको। तो आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और आप कुछ अगर इंक्वायरी चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो मैं ऑलरेडी आपकी हेल्प करूँगा, आप कमेंट में बस लिख दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें ऐसी एक्सप्लोरर वीडियो देखने के लिए हेमू नागर के साथ। तो फिर मिलेंगे आपको ऐसी एक वीडियो में, अच्छे अच्छे कॉलेज वगैरह और अच्छे अच्छे जगह प्लेसेस घुमाते हुए।